पिछले वीक मैंने चीज़ इट बनाए थे, इतने मज़ेदार बने थे कि एक ही बार में सारे ख़त्म हो गए। जी हाँ, चीज़ क्रैकर से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। दो चार खाने के बारे में तो सोचना ही मत, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे और सारे ख़त्म हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आइए इसकी रेसिपी बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम 3 आलू लेंगे मीडियम साइज़ के, उसको हम बॉईल करेंगे। किसी भी तरह के प्रेशर कुकर में आलू को सिर्फ उबालना है। मैंने यहाँ पर इंस्टा पॉट का यूज़ किया है, इसे मैंने 14 मिनट इंस्टा पॉट में रखा है। उसके बाद उसे ठंडा करेंगे और उसके छिलके निकालेंगे। छिलके निकालने के बाद उसको अच्छे से मैश करना है, इसमें कोई भी बड़ा पीस नहीं रहना चाहिए। इसी वजह से आप अगर हो सके तो एक प्लेट का यूज़ करना, ताकि आप इसे अच्छे से मैश कर सको। थाली या प्लेट में आलू को अच्छे से तोड़कर फैलाकर उसे मैश करना है। और हाँ, इसे बनाने के बाद आप बाहर से चीज़ इट कभी भी बाय नहीं करोगे। जैसे ही आलू सारे मैश हो जाए अच्छे से, उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप रोटी बनाने वाला गेहूं का आटा, और फिर किसी भी ड्राई फ्रूट का हम पाउडर का यूज़ करें। यहाँ पर मैंने आमंड पाउडर का यूज़ किया है 1/3 कप। और फिर 1/2 कप हम यहाँ पर ऐड करेंगे पार्मेजान चीज़। ग्रेट किया हुआ या फिर इसका इसी तरह का चूरा हो, कोई भी पार्मेजान चीज़ चलेगा। अगर हो सके तो पार्मेजान चीज़ ही यूज़ करना, क्योंकि उसका नटी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें। फिर स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पर हम मेल्ट किया हुआ बटर 4 बड़ी चम्मच ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर हेल्दी यूज़ करेंगे, और हम इसे फ्राई भी नहीं करेंगे, इसे बेक करेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और इसका हम एक आटा गूंथेंगे। ये चीज़ क्रैकर को आप स्टोर करके भी रख सकते हो, 5 से 6 दिनों तक इसे कुछ नहीं होगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, या स्नैक टाइम में भी इसका यूज़ कर सकते हो। जब इसका आटा गूंथ जाए, हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो छोटा वाला हिस्सा है, उसमें मैं चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, उसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊँगी। बाकी का जो हिस्सा है, वो बच्चों के लिए ऐसे ही प्लेन बनाऊँगी। चिली फ्लेक्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम साइड पर रख देंगे। अब रोटी बेलने का जो चकला है, उस पर हम प्लास्टिक का रेप लगाएंगे। अब उस पर हम एक पेड़ा बनाएंगे हमारे आटे का, और फिर इसे हम जितना हो सके उतना पतला बेलेंगे। इसे मैंने रोटी से थोड़ा ही मोटा रखा होगा, आपसे जितना भी पतला हो सके उतना पतला बेलना, ताकि ये जल्दी से बेक हो जाए और क्रिस्पी बन जाए। अब इसकी जो अनइवन साइड्स है, उसे हम निकाल लेंगे और इसका एक स्क्वायर बनाएंगे। और साइड्स का जो निकला हुआ हिस्सा है, उसे हम नेक्स्ट जो पेड़ा बनाएंगे और बेलेंगे उसमें ऐड कर देंगे। अब इसको मुझे स्क्वायर शेप देना है, तो मैं उसी शेप में कट करूँगी। आप चाहो तो ट्रायंगल भी बना सकते हो, आपको जो भी शेप में इसे बनाना हो। इसी दौरान मैंने ओवन को भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। ओवन को मैंने 250 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट होने के लिए रखा है। अब ऊपर से हम कोई भी टूथपिक हो, या फिर स्क्यूअर्स हो, या फिर फोर्क हो, उससे छोटे छोटे छेद बनाने हैं। देखिए, इससे मैंने इतना पतला बेला है, बिल्कुल पतला है। एक ट्रे पर बेकिंग शीट रखेंगे और फिर इसे हम उस पर रखते जाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हो सकता है कि आपका ओवन का जो टाइम है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि इसकी थिकनेस की वजह से। अगर आप इसे थोड़ा ज़्यादा थिक करोगे तो थोड़ा सा ओवन का टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रखना। क्योंकि हमने यहाँ पर गेहूं का आटा रोटी वाला यूज़ किया है, मैदा यूज़ नहीं किया है, इसीलिए उसका थोड़ा सा डार्क कलर आएगा। अगर आप उसे हाई टेम्परेचर पर बेक करोगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब इस ट्रे को हम प्रीहीट किए हुए ओवन में रखेंगे 20 मिनट्स के लिए। अब उस दौरान हम हमारी दूसरी ट्रे भी रेडी करेंगे, यानी कि जो चिली फ्लेक्स वाला था, वो भी हम उसे बेल कर कट कर लेंगे। ये चीज़ क्रैकर बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही हेल्दी है।
अब 20 मिनट के बाद हमने जो ओवन में ट्रे रखी थी उसे निकालेंगे और उसके जो सारे क्रैकर्स है उसे हम उल्टा देंगे, यानी कि ऊपर नीचे कर देंगे ताकि नीचे की तरफ भी वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, बिल्कुल इसी तरह के। और वापस इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। और ये जो 8 से 10 मिनट है उसमें आपको ओवन में बिल्कुल उसका वॉच करना है कि वो हो गए हैं या नहीं, ताकि वो जल ना जाए। इतने मज़ेदार और क्रिस्पी क्रैकर्स रेडी हो चुके हैं। इसे आप ऐसे ही खा लो, इसमें केचप की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी चटनी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही मज़ेदार है। अगर आपको मेरी ये क्रैकर्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।